तो आज की बड़ी खबर ये है कि कल सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक हमने लगातार एक चश्मदीद का बयान दिशा सालियान मृत्यु मामले में दिशा सालियान के मामले में दिखाया था। वो चश्मदीद ये दावा करता है कि दिशा का पहले रेप हुआ, उसके बाद उसे बिल्डिंग से फेंक दिया गया। मर्डर उसका रेप के बाद कर दिया गया था और उसकी डेड बॉडी को बिल्डिंग से फेंका गया, यह बड़ा खुलासा किया था। और आज तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत सीबीआई को न्यूज नेशन ने सौंप दिए हैं। मेरे सहयोगी सुभाष चरके, मेरे सहयोगी एंकर राकेश पांडे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी रुमानुल्लाह खान, ये तीनों वहां पर मौजूद थे और तीनों ने सबूत सौंपे। इनमें से दो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे चलता हूं राकेश के पास। राकेश, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब बाल सीबीआई के पाले में है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अब गेंद सीबीआई के पाले में है और जिस तरीके से हमने अपने दायित्व को एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर पूरा किया दीपक जी, ये इस बात को दिखाता है कि हम तर्कों पर विश्लेषण करते हैं, हम तर्कों पर बातचीत करते हैं और किसी मसले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाते भी हैं। और इस मसले का हमारी ओर से यानी न्यूज़ नेशन की ओर से तार्किक अंजाम यही था कि उस सबूत को हम देश के सामने रखें और साथ ही जो जाँच एजेंसी है, हमने बार बार कहा कि हम जाँच एजेंसी नहीं है, जो जाँच एजेंसी है उसको वो सारे तथ्य, वो सारे सबूत सौंप दें और उसके बाद वो जाँच एजेंसी तय करे कि इस दावों में कितना दम है। उस तार्किक अंजाम तक पहुंचाया और जो तस्वीर हमने दिखाई, जो रिसीविंग हमें मिल गई है सीबीआई की ओर से, वो रिसीविंग इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि हम तर्कों पर आधारित बातचीत करते हैं। वो महज एक कागज का पत्र नहीं था, वो रिसीविंग इस बात का प्रमाण थी कि हम तर्कों पर आधारित बातचीत करते हैं। मैं एक बात काफी देर से कहना चाह रहा था, थोड़ा सा समय लेकर मैं उस बात को पूरा करता हूं। जो आपसे थोड़ी देर पहले संजय गुप्ता जी कह रहे थे 20 फीट दूर कैसे गिरी, संजय गुप्ता जी लंबी कूद लॉन्ग जंप का नाम आपने सुना होगा, बड़े बड़े एथलेटिक का जो रिकॉर्ड है, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि दिशा सालियान क्या एथलीट थी। क्या माइक पॉवेल है अमेरिका का, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8.95 मीटर का, यानी 29 फीट का। जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है वो बॉब बीमन अमेरिका के ही है, 8.90 मीटर का उनका रिकॉर्ड है, यानी करीब 24 फीट का। और आपको पता है कि लंबी कूद कैसे होती है, आपको उसमें स्पीड और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या लंबी कूद की थी दिशा सालियान ने, एक सवाल। दूसरी बातचीत, जो आप फोन की बातचीत आप लगातार कर रहे हैं, 8, 10, 15 और 17 जून को कॉल की गई है, रिकॉर्ड में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या पुलिस ने 5 दिन फोन ऑन किया था, कई MB डेटा यूज किया गया है, तो क्या वो जो डेटा यूज हुआ है वो पुलिस उस समय पबजी गेम खेल रही थी क्या? ठीक है, एक मिनट राकेश, मैं पैनल को खोलता हूँ। संजय गुप्ता चले गए हैं, उनकी जगह विक्रम सिंह हैं, उनको ये सवाल सुनाते हैं, जवाब लेंगे। विक्रम सिंह की सवाल सुनिए राकेश पांडे का, मेरे वरिष्ठ एंकर और सहयोगी, सवाल सुनिए उनका। इस बीच पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। धनराज वंजारी जी जो की एक्स SCP मुंबई के हैं वो जुड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा फोरेंसिक एक्सपर्ट वो जुड़े हैं, रमेश कुमार फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस वो जुड़े हैं और विक्रम सिंह जी शिवसेना समर्थक हमारे साथ हैं। राकेश शूट योर क्वेश्चन। विक्रम जी, आपके ही एक सहयोगी थे, आप ही के एक समर्थक थे संजय गुप्ता, जो लगातार फालतू की दलीलें दे रहे थे। आपने भी इस बात को तो माना नहीं जो लगातार चश्मदीद ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने इस बात का मखौल उड़ाया हमारी तफ्तीश का कि 20 फीट दूर जाकर शरीर गिर गई। अब ये तो तय था, जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो हम वहाँ पर मौजूद थे, 20 फीट वाकई दूर शरीर गिरा है, तो 20 फीट दूर जाकर गिर कैसे गया? आपको मैं बता दूं, लंबी कूद एक खेल का नाम होता है, लॉन्ग जंप, इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो माइक पॉवेल के नाम है, जो अमेरिका के हैं, 8.95 मीटर का उनका रिकॉर्ड है, यानी करीब 29 फीट की दूरी। इसके साथ ही जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है वो बॉब बीमन है 8.9 मीटर का। और आपको ये भी बता दूं कि जो 7.52 मीटर का रिकॉर्ड है, जो विमेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी इससे ज्यादा कोई कूद हासिल नहीं कर पाया है। और आपको पता होगा कि लंबी कूद कैसे खेली जाती है, आपको काफी दूर से रनअप लेना पड़ता है, आप अपनी ताकत और स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या दिशा सालियान एक एथलीट थी क्या, जो आप लोग ये दावे कर रहे हैं? इसके बाद ये सवाल तो उठेंगे, रही बात कैसे दिशा सालियान का फोन एक्टिव था, पुलिस ने उस फोन को सीज क्यों नहीं किया? सवाल भी पूछिए राकेश, वाजिब सवाल है ये दीपक जी, सुन लीजिए दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। और उसके साथ ही जो पुलिस ने, विक्रम जी एक साथ सुन लीजिए, एक एक करके आप जवाब वैसे भी नहीं दे पाएंगे, आठ, दस और पंद्रह और सत्रह जून को कॉल की गई थी दिशा सालियान के फोन से, तो क्या पुलिस ने अगर ऑन किया था, जो कि संजय गुप्ता दलील दे रहे थे, तो 5-6 बार ऑन करने की ऐसी मजबूरी क्या आ गई थी? इसके साथ ही कई एमबी डेटा यूज किया गया, तो पुलिस को डेटा क्यों इस्तेमाल करना पड़ा उस फोन का? क्या पुलिस की टीम पबजी गेम खेल रही थी? बताइए, पबजी खेल रहे थे क्या मुंबई पुलिस के लोग? कि वो चश्मदीद कौन है, बताइए, जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी। दीपक जी एक एक करके आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो चश्मदीद पकड़ के लाए हो,
पकड़ के नहीं लाए, उसको पहले अच्छी तरह ट्रेंड तो करते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं। लाए चश्मदीद को नहीं बोल रहा है कि मुझे पकड़ के हम आपको लाए विक्रम सिंह जी, चश्मदीद को नहीं, चश्मदीद खुद आया है। नहीं नहीं पकड़ के हम आपको लाए भाई, चश्मदीद को, चश्मदीद को कहां से ले आए आप चश्मदीद को कहां से आपको लाए? अरे भाई ले भी आए तो यहाँ से आपको लाए तो बोल ले कि देश कम से कम भरोसा करे। अरे पूरा देश हंस रहा है आपको छोड़ के कोई नहीं हंस रहा। चलिए एक तस्दीक कर लेते हैं, देखो वो क्या बोल रहा है, तस्दीक कर लेते हैं। धनराज बंजारी जी क्या आप चश्मदीद पर हंस रहे हैं? मिश्रा जी क्या आप चश्मदीद पर हंस रहे हैं? रमेश कुमार जी क्या आप चश्मदीद पर हंस रहे हैं? मेरी सुन तो लो आप, जवाब ले लेते ना, आऊंगा पूरी बात सुनूंगा धनराज बंजारी जी। अरे भाई मेरी भी तो सुन लो तब उसके बाद पूछना ना, मेरी भी सुन लो। आ रहा हूँ विक्रम सिंह जी, धनराज जी बोल रहे हैं कि आपके चैनल ने जो काम किया है इसमें चश्मदीन पे हंसने वाली कोनो बात नहीं है। ये चश्मदीन को आपने सबूतों के साथ में सीबीआई के हवाले कर दिया है, वहां पर इस बात की शनाख्त होगी और पूरी तहकीकात में दो चीजें सामने आना बड़ा जरूरी है। एक तो पहली चीज ये है कि फोरेंसिक साइंस ये कहता है कि अगर अपने आप जंप लेता है कोई खुदकुशी करने के लिए तो उसके जो नीज है वो फ्रैक्चर होते हैं। मेरा तजुर्बा बंबई पुलिस का, जहां पर मनमोहन देसाई नामक बड़े नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर की सुसाइड की तहकीकात में हमने क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, तब जाकर ये पता चला, फोरेंसिक वालों ने कहा अगर उसके नीज में फ्रैक्चर नहीं है तो ये जीता जागता सबूत है कि उसने खुदकुशी खुद होके नहीं की, उसको मार के फेंका गया। उसकी इंजुरीज और इसकी इंजुरी, जैसे कुछ समय पहले मैं आप ही के चैनल पे दीपक जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सुन रहा था, बड़ा सही बयान उन्होंने किया, तो सीबीआई इस बात के ऊपर पक्का अपना यकीन कर ले, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सीबीआई को करनी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो चश्मदीद आज आपने सीबीआई के हवाले किया है, वो चश्मदीद इतने दिन कहीं पर किसी के प्रेशर में दबा हुआ था? कौन था वो जिसने उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास अप्रोच करने से रोका हुआ था? मेरे ख्याल में एक पुलिस ऑफिसर के जहन में 211 एपिसोड 34 के अंदर वैसे चक्स, वो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या और कोई हो, किसी का हस्तक हो, वो मुजरिम करार पाया जाएगा। सीबीआई अगर ये दो पहलू पे काम करेगी और उनके साथ में अगर ये चश्मदीद सही है तो सबसे पहले मुजरिम करार तो मुंबई पुलिस को दिया जाना चाहिए, उसको 201 में बंद किया जाना चाहिए, सबूत मिटाने के लिए, गलत जांच करने के लिए, गलत जानकारी बाहर करने के लिए। इस गरीब आदमी को क्यों फंसा रहे हैं आप? और मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुंबई पुलिस इस जांच को बंद कर चुकी है, फाइल क्लोज हो चुकी है, ये किसको बयान देता जाके? देखो दीपक जी, मैं यहाँ पे किसी को बचाने की बात करने के लिए नहीं आया, आपके बुलाने पे साफ सुथरी कानून की बात करने के लिए आया हूँ। बम्बई पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, बम्बई पुलिस या किसी भी पुलिस की दुनिया के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनियन नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस को आना बाना आपके जो जबान में आए आप कहते जाए। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनना चाहते हो तो मेरी इतनी साफ सुथरी बात है कि मुंबई पुलिस का वो ऑफिसर जो कसूरवार है, पूरी की पूरी मुंबई पुलिस को गाली देने से अगर आपको खुशी मिलती है तो भगवान आपका भला करे, लेकिन मुंबई पुलिस का वो ऑफिसर जो कसूरवार है उसको सीबीआई लाके प्रूव करे, कसम खुदा की उसको वही सजा होगी जो एक आरोपी को होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर मैं न्यूज नेशन से जुड़ा हूँ, अगर मैं कोई गलती करूंगा एक पब्लिक फिगर होने के बाद तो मेरा नाम तो बदनाम होगा, सबसे पहले मेरे ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। क्या रमेश कुमार जी आप मेरे इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं? पूर्व एसीपी है दिल्ली पुलिस के, धनराज जी सुन लीजिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओके, बिल्कुल सहमत हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है जो आपने के न्यूज चैनल ने इतना साहसिक और बहुत ही अच्छा कदम उठाया, एक कम से कम एक आई विटनेस सामने आया, वो उसने आपने न्यूज नेशन पे विश्वास किया और इसकी गहराई से जांच। सर थोड़ा फ्रेम ठीक कर लिए जी, आप बहुत आगे आ गए हैं, आपका आधा चेहरा कट रहा है जी, आप बिल्कुल ठीक है। हम इसको यही ना माने कि ये जबरदस्ती लाया गया है, हमें विश्वास भी करना चाहिए, हो सकता है ये अपने साहसिक कदम से आगे आया हो और इसकी पूरी इंक्वायरी आगे होनी चाहिए। इसमें किसी का ये नहीं है कि ये पकड़ के ले आए, इसमें ऐसे कोई नहीं आता पकड़ने से,
तो ये आपका स्वागत योग्य एफर्ट्स है और सबको एक मैसेज आएगा कि कोई छुप नहीं सकता, न्यूज नेशन वगैरह मीडिया के सामने आ सकता है, अपनी बात कह सकता है और इसकी रेलिवेंसी है। अगर ये सही होगा तो ये केस यहीं से आगे चलेगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दीपक चौरसिया ने कोई गलती की तो दीपक चौरसिया के साथ साथ उसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा तो बदनाम होगा ना। अगर मुंबई पुलिस का कोई अधिकारी गलती करता है तो क्या वो उसकी गलती के चीटे मुंबई पुलिस पर नहीं पड़ेंगे? दीपक जी, ये तो है एक आयु होगा इसमें, जो इंडिविजुअल आयु होगा, अगर ये चीजें उसने नहीं की है तो उसके पार्ट पे होगा, ना कि पूरी फोर्स के पार्ट पे होगा। अगर कोई लैप्स किया है, पुलिस ऑफिसर को पता है कि मुझे क्या करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ये पूरी फोर्स पे लागू नहीं होता, एक इंडिविजुअल जैसा कि अभी साहिबान ने बताया उन पे लागू होता है। और आपका तो कार्य सराहनीय रहा है कि आपने एक ऐसे आदमी को ले आए सामने जो कि बड़ा हिम्मत करके आया होगा। ठीक है, दो दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए। रुमान, ऐसा क्यों हुआ? क्या मुंबई पुलिस ने इस बारे में कोई सफाई दी है कि आईओ क्यों बदला गया? क्योंकि जांच में जो सब कुछ होता है वो आईओ होता है, डीसीपी एसीपी कोई मैटर नहीं करते, अगर आईओ ने लिख दिया तो वो फाइनल है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में हालांकि फाइल बंद कर दी गई लेकिन दो आईओ चेंज हुए। और दूसरी बात यह कि पुलिस के पूर्व अधिकारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो अपने सीनियर अधिकारियों को उसकी पूरी डिटेल देता है, आईओ अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है, ये बहुत अच्छी तरह से सीनियर अधिकारी जानते हैं। सीनियर अधिकारी उस पर फैसला करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हर प्रेस रिलीज में सब में लिखा होता है अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ डीसीपी एंड अंडर गाइडेंस ऑफ एसीपी द टीम ऑफ दिस एसएचओ इसने एक अच्छा काम किया है, इस तरह की बातें लिखी होती हैं। तो ऊपर तक होता है, जब अच्छी चीज के लिए ऊपर का भी अधिकारी, उससे ऊपर का अधिकारी जिम्मेदार है, तो अगर नीचे के आईओ से गलती हो रही है तो उसके लिए क्यों ऊपर का अधिकारी अपना पल्ला झाड़ के अपने आप को बेगुनाह साबित करता है? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईओ ने कुछ किया हो और वो आला अधिकारियों के या फिर टॉप मोस्ट अधिकारी जो मुंबई पुलिस के हैं उनकी नोटिस में ना हो। ठीक है, धनराज जी, रुमान ने एक पॉइंट उठाया है, आप जवाब देना चाहेंगे? क्या आईओ जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसकी शाबाशी उसके डीसीपी उसके कमिश्नर को नहीं मिलती? अगर आईओ कोई गलती करता है तो उसकी नाकामी भी डीसीपी और एसीपी पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए? नहीं, हालांकि आईओ मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीपक चौरसिया जी, आप इतने तजुर्बेदार एंकर हो, मैं तुमको बताता हूं, आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके ऊपर का सुपरवाइजरी अधिकारी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन से तुक नहीं पा रहा है तो वो बदल सकता है, ये एक बात है। लेकिन अगर आईओ ने गलती की और सुपरवाइजरी ऑफिसर ने उसको गलती पकड़ी नहीं तो वो भी उसमें गलती में शरीक है, ये माना जाता है। आपको ज्ञात होगा, एक मिसाल दे देता हूँ, तेलगी की केस में बंबई का कमिश्नर आर एस शर्मा और श्रीधर वगल ज्वाइंट कमिश्नर, ये दोनों अरेस्ट हुए थे। आपने जो बड़ा अच्छा सवाल मुझे पूछा दीपक जी, सराहना करता हूँ आपकी, कि जब बंबई पुलिस का कोई ऑफिसर गलती करता है तो क्या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बदनाम नहीं होती? जैसा आपने कहा कि मैं कुछ करूंगा तो मेरी चैनल के ऊपर नाम आएगा, बिल्कुल आता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिस कमिश्नर को अरेस्ट किया, जिस ज्वाइंट कमिश्नर को तेलगी में अरेस्ट किया, वो बॉम्बे ही की पुलिस थी, बॉम्बे की ही पुलिस थी। ब्लैक सी पाए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, मीडिया में भी पाए जाते हैं ब्लैक सी। धनराजी, मैंने ग्राउंड पर 93 के ब्लास्ट से लेकर आज तक हर इवेंट कवर किया है, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो 7 ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे वो और कोई अटैक हुआ हो मुंबई पर, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ एकाएक क्या हो गया मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, पहले पालघर, उसके बाद दिशा सालियान, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत। मैं खुद कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि ये वही महाराष्ट्र पुलिस है। इसी पर बहस करेंगे आगे ब्रेक के बाद। तो दिशा सालियान पर चश्मदीद के खुलासे के सारे सबूत न्यूज नेशन ने सीबीआई को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते दे दिए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी दिशा सालियान को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस इसकी फाइल ऑलरेडी बंद कर चुकी है। ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये फाइल डिलीट भी हो चुकी है मुंबई पुलिस से गलती से। सीधे चलता हूं, धनराज बंजारी जी एक्सएसीपी मुंबई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश कुमार जी फॉर्मर एसीपी दिल्ली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह जी शिवसेना के समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी रोमान और राकेश भी हैं। सीधे में विक्रम सिंह जी,
आपके पास आता हूँ, आपको कोई शक नहीं पैदा होता? आपको नहीं लगता कि दो दो आईओ क्यों बदले गए? आपको नहीं लगता कि 20 फीट दूर कैसे गिर गई? आपको नहीं लगता कि पोस्टमार्टम पूरी नहीं हुई? ये भी शक पैदा करता है। उसका बॉयफ्रेंड गायब है 101 दिन से, तो भी आपको शक नहीं होता है? आपको ये लगता है कि जो फाइल बंद हो गई वो बंद हो गई? सर टीवी बंद कर दीजिए, अब तो बहुत पुराने पैनलिस्ट हैं आप। भाई साउंड नहीं, साउंड नहीं। अमरनाथ मिश्रा जी, क्या ये सवाल एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट आपके दिमाग में नहीं उठते हैं? मैं विक्रम जी के पास फिर जाऊंगा। पैनलिस्ट हैं आप? मिश्रा जी के भी ऑडियो में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं रुमान के पास आऊंगा। रुमान, क्या कहती है आप? इतने दिन से मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का केस कवर कर रहे हैं, मुझे बताइए दिशा केस के बारे में जो ग्रेपवाइन है, क्योंकि उसके बाद भी कई खबरें होती हैं, वहां पर भी क्यों ये सब हुआ, क्या कहती है वहां की ग्रेपवाइन? देखिए बिल्कुल, दिशा का सीधे तौर पर सबसे पहली बात तो यह कि जिस जगह पे बॉडी मिली थी वो आसानी से अंदाजा लगाया सकता है कि कितनी दूरी पर मिली थी, जो कि नॉर्मली फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हमारे पैनल पे बैठे थे उससे भी ये साफ होता है। दूसरी बात ये कि दिशा के शरीर पर जो चोटें थी, ऐसी खबरें आई थी कि दिशा के शरीर पर जो चोटें थी उसमें से कुछ चोटें मौत से पहले की भी थी, तो जाहिर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ज़रूर छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सीधे तौर पर एम्स के जो फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि इसमें सिंपल फॉर्मेलिटीज़ जो फॉरेंसिक की होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन तक को फॉलो नहीं किया गया। और दूसरी बात यह कि दीपक जी, जो अभी बात हो रही थी, तो उसमें सीधे तौर पर कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टेट की पुलिस एक अच्छा काम करती है, किसी बच्चे को बचाती है, तो हम ही चलाते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस का एक मानवीय चेहरा, जबकि एक कांस्टेबल ने किया होता है या किसी ने किया होता है, उस वक्त क्यों नहीं कहा जाता कि अगर किसी आईओ ने अच्छा काम किया है तो ये कहिए कि इंडिविजुअल इस आदमी का एक अच्छा चेहरा, पूरी पुलिस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे रुमान, फिर से बहस को खोलेंगे। उम्मीद करते हैं सबके ऑडियो वीडियो ठीक होंगे ब्रेक के बाद।